सुप्रीम कोर्ट में मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर विवाद से नाखुश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि आरोप लगाना और पत्र लिखना बहुत आसान है। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि बीमारी की वजह से जस्टिस एएस बोपन्ना के मौजूद नहीं होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है। बार के दो वरिष्ठ सदस्यों दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अलग अलग लेटर लिखकर मामलों को सूचीबद्ध करने में कथित गड़बड़ी का मामला उठाया और कहा कि याचिकाओं को जिस पीठ द्वारा सुना जाना निर्धारित है उससे अलग भेजा जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भड़क गए। चीफ जस्टिस ने गुरुवार को सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस आग्रह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाने वाली सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश ही फैसला लेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आरोप लगाना और खत लिखना बहुत आसान है। जस्टिस एएस बोपन्ना के ऑफिस से एक लेटर आया है। मेडिकल वजहों से वो दिवाली के बाद से काम पर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा सुने गए सभी मामलों को आंशिक रूप से सुना हुआ पार्ट हर्ड के रूप में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, इसीलिए ये यानी कि जैन की जमानत याचिका मामला न्यायमूर्ति त्रिवेदी को सौंपा गया जिन्होंने आखिरी बार इस मामले की सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति त्रिवेदी को मामले की सुनवाई इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ये अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए एक आवेदन है। मैंने सोचा कि इसे स्पष्ट कर दूंगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बार के एक सदस्य का ये कहना अजीब है कि मुझे ये खास न्यायाधीश चाहिए। कोर्टरूम में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस दौरान अपनी टिप्पणी दी और कहा, ऐसे दुर्भावनापूर्ण पन्नों से निपटने का एकमात्र तरीका उन्हें अनदेखा करना है और उन पर प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बार का कोई भी सदस्य ये कह रहा है कि इस विशेष जस्टिस को मेरा मामला सुनना चाहिए और किसी अन्य जस्टिस को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जज बोपन्ना को मेडिकल छुट्टी पर जाना पड़ा। बता दें, सिंघवी ने कहा था कि जैन की याचिका पर जस्टिस त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा प्रस्तावित सुनवाई को टाल दिया जाए। सिंघवी ने मांग की थी कि न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थी और अब ये मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं है। बता दें, सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वर्तमान में वो स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने उस वक्त जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी जब उसे ये अवगत कराया गया कि 9 दिसंबर को उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।